नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि कल 25 जुलाई 2022 था, कल का जो दिन था बहुत ही ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कल के दिन हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, वो सभी मिलकर एकजुट होकर काफ़ी ही भारी संख्या में सारे लोग मौजूद थे UPSC के पास। वो लोग धरना के लिए गए थे और अपनी बात रखने गए थे। आप सभी जैसे कि जानते हैं, ये आज की एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि आज हिंदुस्तान में आज आई है, जिसमें कि लिखा हुआ है साफ साफ कि जॉइनिंग के लिए चयनितों ने दी चौथी बार दिया धरना। चयनित अभ्यर्थियों ने चौथी बार दिया धरना। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? तो दोस्तों अब बताइए, आप सब बताइए कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप सब परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, हम सब परेशान हैं। आइए आगे कुछ और भी दिखाती हूँ मैं आपको। सामने आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मेरे पास है, ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर चौराहा स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। 2.5 महीने में ये चौथा मौका था जबकि देश भर के चयनितों ने धरना देकर कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की। विमलेश, राधा, विवेक, आकांक्षा, आस्था वर्मा, नीतू यादव, मनीषा सुधाकर जसवाल एंड अतुल आलोक सिंह और आरती यादव आदि का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फरवरी में अभिलेखों का सत्यापन भी करा लिया गया, लेकिन आयोग ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। विमलेश ने बताया कि आयोग के प्रतिनिधि ने 23 अगस्त तक ज्वाइनिंग कराने का आश्वासन दिया है। तो आइए कुछ और वीडियोज़ भी दिखा देती हूँ मैं आपको। 2022 तक किसी भी ज्वाइनिंग पर रोक है अभी, ठीक है? कोर्ट के आदेश से, मई में कोर्ट ने कहा है कि नर्सिंग वाला 23 अगस्त 2022 तक रोक लगाई, उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता, ठीक है? तब तक हंगामा करने का कोई औचित्य नहीं है। आप हंगामा हमने सर किए नहीं, हंगामा हम लोगों ने किए रहे, तेज के बाद ही अभी चलेगा लंबा। कोर्ट जाना है जानकारी मैंने ली है। उन लोगों ने कंसर्न सेक्शन ने मुझे बताया है कि 23 अगस्त तक कोर्ट ने ज्वाइनिंग पर रोक लगा रखी है। अब मैं पूछ लेता हूँ किसके केस में, ठीक है? जी, जी, जी। सर, लेकिन साक्षी को रिपोर्ट मांगे तो सर पूछ रहे हैं ना, रुक जाइए, एफिडेविट का कुछ था। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अभी जो हमारे बाहर जो ऑफिसर आए थे उन्होंने क्या जानकारी दी हमारे साथियों को, हमारे साथियों को तो उन्होंने क्लियर कुछ भी नहीं बताया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस सभी साथी लगे रहे अपने प्रयासों में कि कैसे जैसे तैसे ज्वाइनिंग मिल जाए। सब ने खूब मेहनत करी, ठीक है, काफ़ी मेहनत करी है सब ने, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सफल नहीं लगा हमारे हाथ। अफसर ने सिर्फ इतना बताया है कि ज्वाइनिंग में कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि रोक लगा रखी है और बोल रखा है
आगे जो भी है वो जो भी होगा वो 23 अगस्त के बाद ही होगा, जब कोर्ट की हियरिंग होगी। लास्ट ऑर्डर उम्मीद कर सकते हैं हम कि 23 अगस्त को लास्ट ऑर्डर है, तो 23 अगस्त को ही हमें पता चलेगा कि हमारी क्या ज्वाइनिंग डेट है, क्या लेटर में आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, और जितने भी नए स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स ऐड होने वाले हैं उनका कब डीवी होगा। उसके बाद देखते हैं कितना लंबा वक्त लगने वाला है हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस बातों को टालते आ रहे हैं, गुमराह करते आ रहे हैं हमें हर टाइम। तो इस समय कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे लगता नहीं है कि 23 अगस्त से पहले 23 अगस्त से पहले कुछ हो सकता है। तो इतना ही था दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।